हेलो एवरीवन, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, पहले फॉर्मूले बताएंगे, फिर फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और अमाउंट, प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं। अगर 1000 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट किया और आपको रेट जो था वो 10% के अकॉर्डिंग आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि अगर मान लो इसमें पूरे ईयर में 100 रुपीज़ मिलता है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भी 100 मिलेगा, 3 साल मतलब हर साल 100 100 100 ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपये अगर इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो अगले साल जो नेक्स्ट ईयर है 1000 प्लस 100 यानी कि कितना हो गया, इसको टोटल कर लीजिए, 1000 में 100 जोड़ लीजिए तो 1100 रुपये ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें बस ये समझ लीजिए कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब इंटरेस्ट बीइंग एनुअली एक साल का पूरा हो तो, ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं एनुअली क्या हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है। अब अगर यही चीज, अब यहां पर क्या है, ए क्या है, ए आपका अमाउंट है, टी टाइम है, आर रेट है, पी प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन जो रुपीस आप डिपॉजिट करते हैं, ये क्या हो गया, मूलधन, ठीक है, ये हो गई दर, ये हो गया समय, और ये हो गया मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका हो गया अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपको CI निकालना है तो CI इज इक्वल टू A - P, ये फॉर्मूला लगाएंगे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं A इज इक्वल टू I + P, ठीक है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला आपको पूरे टॉपिक में लगाना है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इंटरेस्ट बीइंग क्या हो, एनुअली हो, ठीक है। अब जब हाफ ईयरली हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसा हो, हाफ ईयरली, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जितना भी टाइम होगा वो डबल कर देंगे और फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली हो तो क्या होगा, रेट जो है वो 4 से डिवाइड होगा और टाइम जो है वो 4 से इनटू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और एक फॉर्मूला और यूज होगा, जो अगर मान लो इफ टाइम इज इन फ्रैक्शन, अगर टाइम पूरा पूरा ना दिया हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के टाइम आपको दे दिया 1/2 ईयर्स या 1/3 ईयर्स कर दें इतने साल के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे A = P1 + R/100 की पावर, ये वाला जो पूरी वैल्यू है 2, ठीक है, फिर 1 + 1/3 × R/100,
ठीक है, इससे अमाउंट निकाल लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन इसको करना कैसे, ये फॉर्मूले हो गए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से है। ठीक है, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। देखिए इसको करने का तरीका, पहले तो आप ए निकाल लीजिए, ठीक है, और इसमें ए निकालने के बाद सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। देखिए हर एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, तो एक तो हम आपको ट्रेडिशनल वे बता रहे हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, कि अमाउंट जैसे ये है 7500 1 प्लस 4 बाई 100 की पावर 2, इसको सॉल्व करके पहले ए निकाल लें, फिर ए में से पी यानी कि 7500 को माइनस कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके कर लीजिएगा, और हम इसका शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देख लीजिए ये, लेकिन फॉर्मूला कब लगता है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100% इंटू पी। डायरेक्ट अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, आर इज इक्वल टू कितना है 4, तो 2 × 4 प्लस 4² अपॉन 100 की पावर, पावर नहीं स्क्वायर हो गया, परसेंट को क्या लिखेंगे 1/100, और पी को लिख देंगे 7500। अब इसे सॉल्व करते देखिए, 8 हो गया, ये 16/100, तो 16/100 कितना हो जाएगा 0.16। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 8.16, दोनों को प्लस कर दिया और इनटू, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 75। क्लियर, अब 75 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले 5 से इंटू कर दें, 5 × 31 हो गया, 5 × 5 = 3 = 8, 5 × 8 = 40, 7 × 7 = 42, 7 × 7 = 4 = 11, और 7 × 7 = 56, 157, इसको प्लस कर दीजिए, 0, 8 × 2 = 10, 2 और 4 × 7 = 11 और 6, 612, और 2 के बाद पॉइंट, तो 612 आंसर हो जाएगा ये, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 612 निकल गया और यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया, ये कब लगेगा, जब 2 साल की बात हो, ये याद कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे अमाउंट निकलेगा, उसमें से अगर इसको पी को माइनस कर दें यानी कि 7500, तो आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर, देखिए अब क्वेश्चन में हम हिंट देते जाएंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करना है इसको करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ्स। यहाँ पे टाइम पूरा नहीं दिया हुआ, टाइम किस में दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8000 रुपीज, रेट कितना दे रखा है 15%, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स और 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स, सबसे बड़ा गेम यहीं पर है। देखिए 2 ईयर्स है, 4 मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट किया, 12 से डिवाइड कर दिया, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 2 1/3 ईयर्स हो गया। अब इसमें हमने क्या बताया था, जब टाइम फ्रैक्शन में होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये समझ लीजिए, जो हमने अभी लिखवाया सबसे लास्ट में, पी 1 प्लस, अब पी की जगह हम वैल्यू भी पुट कर दें, 8000 × 1 + R/100, मतलब 15/100 की पावर ये वाला 2, ठीक है, × 1 + 1/3 × 15/100, ठीक है, R/100, ये फॉर्मूला हो गया, ये 1/3, ये 1/3 आया।
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे हम इसको 5 से कट कर दें। देखिए 5 से 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 8000 इंटू 20, अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 23/20 का होल स्क्वायर और 1, देखिए यहाँ पे आ गया 1/20, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 21/20, ठीक है। अब देखिए 8000 इंटू 23/20 दो बार लिखना है क्योंकि पावर 2 है, और इंटू 21/20, अब देखिए 0 0 0 ये पूरा कट गया और ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 23 को 23 और 21 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर अमाउंट पूछा जाता तो यही आंसर होता, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो भी आपका आएगा उसमें से आपको पी यानी 8000 रुपये माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार क्वेश्चन में आता है कि डिजिट ऐसी होती है कि पूरी कैंसिल हो जाती है और इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, समझिए कैसे करना है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल तो आपको लेना है 1000, टाइम क्या हो जाता है डबल, तो 2 × 2 यानी कि 4 years हो जाएगा, ठीक है, और रेट हो जाता है हाफ यानी 4/2, 2% रेट ले लेंगे और इससे ए निकाल लेंगे P₁ + R/100 की पावर टी, तो अमाउंट कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हम इससे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 1 + 2/100 की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, फिर CI जो निकलेगा, जो अमाउंट निकलेगा उसमें से ये वाली वैल्यू यानी 10,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि जब क्वार्टरली होगा तो इसे 4 से डिवाइड, 4 से इंटू करेंगे, हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 इन 9 months एट 20% पर एनम इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड क्वार्टरली है इसका, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,000, टाइम आपको दे रखा है कितना, 9 months, 9 month को पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 9/12, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 12, तो 3 साल हो गए टाइम के, और रेट क्या हो जाएगा, 20% दिया है, 4 से डिवाइड हो जाएगा 5%, 4 से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि क्वार्टरली है, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगा। अब आपको सेम फॉर्मूला वही लगाना है, पी का मतलब 16,000, 1 + R मतलब ये 5/100 power 3, इससे आपका अमाउंट निकल आएगा सॉल्व करके, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट बताना है ना, तो CI = A - P होता है, तो जो भी आपका A आएगा उसमें से 16,000 को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। हिंट दे रही हूँ, कैलकुलेट आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बताने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वाले रूल्स आप लगा सकते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज ₹1200, मतलब क्या दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, अभी प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दे रखा है 5% और टाइम दिया है 3 years,
ठीक, पहले इससे हम फर्स्ट लाइन से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये हो गया 1200, पी रेट हो गया 5, टाइम हो गया 3 इयर्स अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये कटेगा, देखिए ऊपर नीचे भी कट सकता है, 5 × 10, 3 से ये कट सकता है 400, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी कितना हो जाएगा, 4 × 8, 8000 रुपये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड सेम रेट। मतलब बाकी सारी चीजें वही लेनी है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस 1 R/100 की पावर टी। तो पी आपका हो गया 8000, 1 प्लस रेट कितना 5%, तो 5/100 पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फिर उस अमाउंट को क्या करेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो a माइनस पी कर देंगे, दैट मीन्स जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें से 8000 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1000 बिकम 1331 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको अमाउंट दे रखा है 1331, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, रेट दे रखा है 10%, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, मतलब 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए जो कितने साल के बाद इतने रुपए हो जाएंगे अगर दर 10% दे रखी है। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो अब अमाउंट दे रखा है 1331, ये हो गया 1000, 1 प्लस आर मतलब 10, टी ले लो, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इसके नीचे ये आ गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, ये इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, 11 अपॉन 10 की पावर टी, और 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 11/10 का होल क्यूब, 11/10 का पावर टी। बेस अगर सेम होता है तो पावर इक्वल होती है, तो टी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 3 years, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या दे रखा है, इफ 500 अमाउंट्स टू रुपीज 583.20 इन 2 years, 2 साल में इतने रुपए इतने हो जाते हैं, रेट बताना है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, ये अमाउंट हो गया, तो 583.20 इक्वल टू 500 1 प्लस आर बाई 100 की पावर, कितने साल है, 2 साल है, इसको सॉल्व करके आर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 583.20 अपॉन 500 कर दीजिए, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ गई, और यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। ठीक है, अब इसे क्या करना है, कट करना है, कट करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो हट गए, ये कट हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब इसको 2 से कट कर दे पहले। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, और यहाँ 1 बज गया, 2 × 5 = 2, 1 = 2, 1 बचा 2 × 6 = 12, ये आ गया। ठीक है, इसको कट करिए 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0 0। ठीक है, फिर इसको 2 से कट करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और इसको कट कर दीजिए 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 8 के बाद 1 बज गया, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, फिर कट करिए 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, इसको कट करिए 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18। अब देखिए ये और ये दोनों स्क्वायर रूट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले हम इस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, और ये इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 729 अपॉन 625। ठीक है, क्लियर। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 729। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं,
देखिए यहाँ पर दो दो के पेयर बनाते हैं पहले, तो दो दूनी चार, तो ये हो गया ठीक है तीन, और तीन तिहाई नौ तेईस, और सात सत्ते उनचास, इसका डबल यहाँ आता है दो का डबल चार ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लेते सात, सात सत्ते उनचास, चार सात चौक अट्ठाईस और चार इकतीस बत्तीस, यह आ गया यानी 27 इसका स्क्वायर रूट हो गया ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट फॉर्मूले भी हमने बताए हैं, उसको कर लीजिएगा। तो इसका एक प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये तो मैंने ट्रेडिशनल वे से निकाला है। तो ऊपर कितना हो गया 27 और नीचे क्या हो जाएगा 25 ठीक है। तो कितना हो जाएगा आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 में से 25 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ठीक। आप सॉल्व कर दीजिए, जैसे आर इज इक्वल टू 2 बाई 25 इंटू 100, 25 चौक 100 यानी 8% रेट हो गया, ये आंसर आ गया क्लियर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज रुपीज 631, फाइंड दिस सम ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ये समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब भी आपको डिफरेंस दिया हो, 2 साल के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है, वो आपको याद करना है, ये जरूर याद रखिएगा। फॉर 2 ईयर्स के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 100% इंटू पी ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 631 दे रखा है, तो 631 इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू परसेंटेज, ले 1/100 इंटू पी कर दें तो ये दोनों तो यहीं कट गए, और पी की वैल्यू कितनी हो गई 63100, ये आंसर हो गया प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ऐसे करना है, आंसर निकल गया ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, इसको भी समझ लीजिए कैसे करना है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ये दे रखा है, ये दे रखा है, रेट निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ठीक है। तो सेम फॉर्मूला, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दे रखा है एन अमाउंट रुपीज इतना इज 405, तो 405 इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई 100%, आर आपको निकालना है ठीक है, इंटू पी, पी का मतलब 18,000 क्लियर ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है, तो 405 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 1/100 इंटू 18, ये आ गया ठीक है 18,000, 30 है ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 30 ये 20 ये कट गया, अब इसको आप ले आइए इधर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4050 अपॉन 18, मतलब इसका इंटू इसमें कर दिया, ये 18 था ये नीचे आ गया ठीक है। अब इसे हम कट कर दें, तो कट करिए पहले 2 से कट कर दीजिए, 2 9 18, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, अब ये 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 9 2 18, 2 बज गया, 9 2 18, 19 20 21 22 9 45, ठीक है। तो ये आ गया 225 स्क्वायर रूट यानी 15, तो 15% मीन्स हो गया ये आंसर, रेट हो गया ये आंसर आ गया ठीक है क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th की, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6690 आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल में कोई मनी ये हो जाएगी 6690 यानी ये अमाउंट दे रखा है और 10035 हो जाती है 6 साल में, तो सम बताना है ठीक है। इसको मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगी, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, समझ लीजिए इसमें क्या क्या दिया है। पहली क्वेश्चन बन जाएगी ए इज इक्वल टू 1
पी को तो पी ही रहने दें, 1 + r/100 की पावर 3, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 1 × 0 = p 1 + r/100 / 6, 6 साल है, दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, मतलब 2 इक्वेशन / 1 इक्वेशन, तो ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे आ गई, तो कितना आ जाएगा ये, मतलब ये ऊपर लिखना है हमको, पहले हम एक लाइन लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये हमने ऊपर ऐसे लिख दिया और नीचे हमने लिखा ये, हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये पूरे कैंसिल होके कैंसिल हो जाएंगे ये, और हमारी वैल्यू निकल आएगी 1 × 0 = 35 / 6 = 90। ठीक है, अब देखो P से P कैंसिल, पावर 3 है, सेम वैल्यू है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी पावर इसकी, 6 - 3, तो कितना हो जाएगा ये, 1 + r/100 / 6 - 3, 3 हो गया, और ये हो गई 0035 / 6 = 90। ठीक है, यानी इस क्यूब की वैल्यू ये निकल आई, अब इस क्यूब की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो P निकल आएगा। ठीक है, तो एक लाइन में लिख देती हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6690 = p, और हम इसकी जगह पे पूरी ये वैल्यू लिख देंगे, 1 × 0 = 35 / 6 = 90। ठीक है, अब इससे p जब निकालना होगा तो p = 6690 × 6690 / 1 × 0035, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से करके डिवाइड करके ही सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, अ सम ऑफ मनी डबल इट्सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 इयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अ सम ऑफ मनी डबल, डबल हो रही है मनी, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट हो गया 2p। ठीक है, 15 साल में डबल हो रही है, कितने साल में ये 8 गुना होगी, तो इसका आंसर तो वैसे ओरल 45 निकल आएगा, अब मैं तरीके से भी बता रही हूँ, शॉर्टकट ट्रिक से भी बताऊंगी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना डबल है, तो 2p = फॉर्मूला लगा रहे हैं, p 1 + r/100 / 15। ठीक है, p से p कट गया, यानी कि वैल्यू आ गई 1 + r/100 / 2 / 1/15, मतलब ये पावर इसके साथ चली जाएगी, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहा कि 8 गुना कब होगी, तो क्या होगा, 8p = p 1 + r/100 / यहाँ पे t पूछा गया है कितने साल में होगी, p से p कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू ये दे रखी है, अगर हम इसको नहीं भी लिखते ना, अगर पहले ऊपर वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, मतलब इसमें ये कट गया है, तो 2 = 1 + r/100 / 15, इसको फर्स्ट मान लें। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 को 2 की पावर 3, 1 + r/100 / t। ठीक, अब 2 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, 1 + r/100 / 15 और (3) = 1 + r/100 / t, क्लियर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों बेस सेम हो गए तो टाइम इक्वल हो जाएगा, पावर्स इक्वल हो गई, तो t = कितना, 15 + 45 = 15 आंसर आ गया। अब देखो ये तो मैंने आपको करके दिखाया पूरा, लेकिन आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते थे, ये डबल है, डबल का मतलब 2, ठीक है, और ये इसका पावर 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो इस 3 से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 15, डायरेक्ट आप ओरल भी निकाल सकते थे। ठीक है, और जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया, ये पूरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करके, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कम वाली वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू कर देना, आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो उससे भी आप पी डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
तो इसमें आज हमने 21 तक क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट कर दिए हैं जितने भी टाइप थे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और जो भी क्वेश्चन है वो जितने भी करा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत।